ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि किसी जगह अगर दुख, गुस्सा और धोखा सब एक साथ हो तो उससे ज्यादा भयानक और डरावनी शायद ही कोई दूसरी जगह हो। वो दिन कोई भूल नहीं सकता। मेरठ के उस मोहल्ले में ऋषि और उसकी बीवी नूतन में बहुत प्यार था। एक रात की बात है जब नूतन मायके गई हुई थी। दो दिन के बाद लौटने का कह की गई थी, लेकिन रास्ते में बहुत बुरे ख्याल आए। ऋषि की बड़ी याद आई तो भागी दौड़ी वापस आ गई और दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। नूतन की आंखों के सामने उसका प्यार, उसका ऋषि किसी और की बाहों में था। और दुख तो इस बात का था कि वो खुश बहुत था। इतना खुश कि उसे भनक तक नहीं लगी कि दरवाजा खुला था और नूतन सब कुछ देख रही थी। नूतन ने एक लफ्ज नहीं कहा और चुपचाप उल्टे पांव वापस चली गई अपने मायके की ओर। दो दिन वहां रहकर आई। किसी को शक तक नहीं होने दिया कि दिल में क्या था उसके। ठीक वापस लौटने के बाद, ऋषि के दफ्तर से एक दिन आने के बाद उसे उसका मनपसंद खाना बनाकर खिलाया और सोते सोते करवट बदली तो ऋषि को चेहरे पर कुछ लड़ता हुआ सा महसूस हुआ। आंखें खोलकर लाइट जलाई तो ऊपर पंखे से नूतन की लाश लटक रही थी, जिसके पांव ऋषि के चेहरे से लड़ रहे थे। ऋषि को झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन दिल ही दिल में बहुत खुश भी हुआ। ठीक एक महीने बाद ही ऋषि ने उसी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन उनकी शादी टिकी नहीं। शादी के 4-5 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तकरीबन 10 दिन के बाद जब ऋषि और उसकी दूसरी बीवी किसी को दिखाई न दिए और घर से बड़ी भयानक बदबू आने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर की तो सड़ी गली ऋषि और उसकी दूसरी बीवी की लाशें घर के अंदर से निकली। इतने बुरे हाल में थी उनकी लाशें, वो खुद को ना पहचान पाते। उस दिन के बाद से मेरठ के जीपी ब्लॉक का ये मकान खंडहर बना पड़ा है। टूटा फूटा सा आधा बना हुआ मकान लगता है यह। शहर की एक दो बड़ी हस्तियों ने जगह को खरीद कर कुछ भी काम शुरू करने की सोची तो बहुत, लेकिन खरीदते के साथ ही किसी को कुछ हुआ तो किसी को कुछ। लेकिन यह बात भी सच है कि वहां पैर रखने के बाद कोई भी 3 दिन से ज्यादा बचा नहीं। लिहाजा घर की एक भी ईंट कोई तोड़ ना पाया। रात का वक्त था। पिंकू और राजा दौड़ते भागते छुपने की जगह ढूंढते हुए आके इसी खंडहर में पहुंचे और एक कोने में दुबक के छुप के बैठ गए। दोनों बैठे ही थे जब अचानक पिंकू और राजा को ठीक ऊपर के बरामदे से एक भारी सी टेबल घसीट कर ले जाने की आवाज सुनाई थी। दोनों ऊपर के फ्लोर पर गए तो देखा आखिरी कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर से बेहद हल्की एक रोशनी की लकीर बाहर आती दिखाई दे रही थी। पास पहुंचकर खुले दरवाजे से अंदर झांका तो पाया कि एक कोने में रखी लालटेन जल रही थी। दोनों ने कमरे में झांका तो लालटेन तो दिखी पर कुछ और नहीं दिखा। पिंटू और राजा दोनों ही आगे बढ़कर
कमरे के अंदर गए और पिंटू ने हाथ बढ़ाकर लालटेन उठाई तो लालटेन का हैंडल इतना गर्म था कि पिंटू के हाथ से लालटेन छूट कर गिर गई और उसका तेल छलक कर पूरे फर्श पर फैल गया, जिससे फर्श पर धू धू करके गिरा हुआ तेल जलने लगा। आग अचानक लगी और ऐसे अचानक फैली कि छोटी मगर तेज लपटों से पिंटू और राजा दोनों को पीछे हटना पड़ा, और पीछे हटे तो उस आग में से अचानक एक आदमी और एक औरत की चीखें गूंजने लगी। और ध्यान से देखा तो दिखा कि एक आदमी और एक औरत उस आग में कुर्सियों से बंधे हुए आग में बैठे हैं और चीखे जा रहे हैं। पिंटू और राजा एक पल को तो वहीं के वहीं जमकर खड़े ही रह गए, इतनी गर्मी थी वहां आग की वजह से। लेकिन फिर भी दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से उल्टे पैर भागे कमरे के बाहर। दोनों के बाहर भागते ही सारी आवाजें अचानक से रुक गई। डरते हुए दोनों पलटे और देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था, ना इंसान और ना ही वो लालटेन। दोनों को लगा जैसे उन दोनों के दिमाग पर वैसे ही छुपने का भूत सवार था, और शायद इसी परेशानी की वजह से दोनों को वहम हुआ। सुस्ताने के लिए दोनों सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। बैठे बैठे किसी तरह खुद को दोनों ने संभाला ही था, जब अचानक से एक आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। दोनों को साफ साफ समझ आ रहा था कि वो अकेले नहीं थे उस खंडहर में, कोई और भी थी जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी और अपने गहनों की आवाज से बता के आ रही थी कि वो ऊपर आ रही है। दोनों वहां जम के बैठे रह गए, बस इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई तो दिखेगा। लेकिन उस खंडहर में कोई दिखा नहीं, और वो आवाज वो भी बंद नहीं हुई। कदमों की वो आहट आती गई और बिल्कुल दोनों के करीब से होती हुई ऊपर तीसरे माले पर चली गई। पिंटू और राजा के पास से निकलकर तीसरे माले पर जाते ही किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, ऋषि दरवाजा खोलो ऋषि, मैं जानती हूँ तुम उसी चुड़ैल के साथ अंदर हो। ऋषि दरवाजा खोलो ऋषि। ठीक है मत खोलो, अब देखो मैं क्या करती हूँ। पिंटू और राजा भले ही एक माला नीचे बैठे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ सुना कि इतना चिल्लाने के बाद एक दरवाजा खोला और जोर से बंद हुआ, और उसके बाद एक दरवाजा और खोला, और कोई दौड़ा दौड़ा आया और खटखटाते खटखटाते चिल्लाया, नहीं नूतन, रुको रुको नूतन, नूतन नहीं, नूतन मुझे माफ कर दो, दरवाजा खोलो नूतन, नूतन दरवाजा खोलो। इतनी चीख पुकार होते होते एकदम से अचानक ही सारी आवाजें बंद हो गई, बिल्कुल मौत जैसी चुप्पी छा गई चारों ओर। पिंटू और राजा ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि जब इतना कुछ हो ही रहा है तो अब बस ये भी देख लेते हैं। दोनों लोग धीमे धीमे एक के बाद एक सीढ़ी पर ऊपर जाने लगे, और ऊपर जाकर देखा कि एक कमरे का दरवाजा खोला था और हवा से आगे पीछे हो रहा था। दोनों घबराए हुए तो थे, लेकिन एक साथ थे तो डर कम था। धीमे धीमे उस
कमरे तक गए और दरवाजे से अंदर झांका तो देखा, अंदर कमरे में पंखे से एक औरत की लाश लटकी हुई थी। पिंटू और राजा के पांव जैसे जमीन पर किसी ने कील गाड़कर चिपका दिए हों। दोनों बड़ी बड़ी फैली आंखों से उसे देख ही रहे थे, जब अचानक से उस औरत की आंखें खुली और वो भयानक आंखें बिल्कुल जैसे अपने अंदर भरी गुस्से की आग से पिंटू और राजा को जला देना चाह रही थी। पिंटू और राजा जैसे बेहोशी से जागे और किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से पलट कर भागे, और भागने में पिंटू तो आगे निकल गया लेकिन राजा पीछे रह गया। और उसके बाद गूंजी उस कमरे में राजा की एक चीख। चीख सुनते ही पिंटू पीछे पलटा और उसने देखा राजा हवा में ऐसे उठा जैसे उसे किसी ने गर्दन से पकड़कर पूरी ताकत से किसी गोली की तरह ऐसा फेंका, जिससे राजा खिड़की का कांच फोड़कर उस तीन माले के घर के बाहर जाकर गिरा। पिंटू तुरंत खिड़की की ओर दौड़ा राजा को देखने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। राजा इतनी बुरी तरह अपने सर के बल तीन तल्ले से नीचे गिरा था कि बस शायद उसकी गिरते ही मौत हो गई। खून से लथपथ राजा की लाश खिड़की के ठीक नीचे जमीन पर पड़ी थी। पिंटू जानता था कि अब यहां से भागने में ही भलाई है। वो पलट के तुरंत भागा और जैसे ही पिंटू दरवाजे के पास पहुंचा तो पिंटू घेर चुका था। दरवाजा सामने होकर भी बंद पड़ा था। पिंटू को अब मौत का डर था। अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे पल उसको एक पल में याद आने लगे। एक कोने में बैठकर पिंटू चुपचाप घुटनों में मुंह छुपाए डर से थर थर कांप रहा था कि जाने जाने मौत कब उसे गले लगा ले। अचानक एक और आवाज हुई, एक स्विच ऑन हुआ और पंखा आवाज करता हुआ धीमे धीमे घूमने लगा। पिंटू ने नजर उठाकर देखा तो पाया पंखे से उसी औरत की लाश लटकी हुई थी और धीमे धीमे घूमते हुए उस पंखे के साथ घूम घूम कर वो लाश नीचे आती जा रही थी। उस लाश की नजरें लगातार पिंटू पर ही थी और पिंटू इतनी बुरी तरह डरा हुआ था कि उसकी चीख तक हलक में अटकी हुई थी। सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था, वो इतना बुरा हाल था पिंटू का। पिंटू अपनी जिंदगी के बचे कुछ आखिरी पल गिन ही रहा था। वो एक ऐसी हालत में था जहां वो जानता था कि वो बच नहीं सकता, लेकिन एक झटके में मौत नहीं आ रही थी। हर गुजरते पल के साथ मौत का धीमे धीमे आना और इतना बेबस होना उसको खल रहा था। वो लाश आकर पिंटू के ठीक सामने जमीन पर उतरी और उसके उतरते ही पिंटू की आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ पैरों से पसीना छूट गया और बदन में भागने की तो दूर की बात है, सांस लेने भर की ताकत नहीं बची थी। पिंटू ने आखिरी बार बस ऊपर वाले का नाम लिया और सर झुकाया कि ठीक तभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से पता चला कि सवेरा हो चुका है। पिंटू ने अपनी आंखें खोली और इधर उधर घूम के देखा तो पाया आसपास
कोई नहीं था और सब कुछ ठीक था। पिंटू ने पूरी जान लगाई और नीचे दौड़ा। सामने उसके दोस्त राजा की लाश पड़ी थी। उसके पास से पिंटू निकला और गेट के पास पहुंचा। बस इस नर्क से बाहर निकलने को सिर्फ एक और कदम बढ़ाने की देर थी, लेकिन किसी ने पिंटू का पैर पकड़कर खींचा और ऐसा खींचा कि पिंटू जोर से मुंह के बल गिरा और गिरते ही पीछे पलट के देखा तो ये वही औरत थी जो अभी तक फांसी से लटकी हुई दिख रही थी। इस वक्त वो औरत पिंटू का पैर पकड़कर उसे वापस मेरठ के उस घर में घसीट रही थी और साथ ही एक जहरीली हंसी हंस रही थी। मेरठ के उस घर में जाने के रास्ते तो कई हैं, पर वहां से वापस आने का शायद ही कोई रास्ता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।